अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन पेशकश बाय हसी टीवी चैनल। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये, बिकॉज व्हाट वाज अल्लाह डूइंग बिफोर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसके रिगार्डिंग इसके मुतालिक हमें नॉलेज मिलेगी आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बट इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा वो। ऐसा ना हो कि आप ना ओरिजिनल वीडियो ना देखें, हमारे साथ तो देखिए, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी देखना है तो भी चलेगा, बट ओरिजिनल वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस। सो चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों, किसी भी दीन को ना मानने वाले एथियस्ट जिनका मानना है कि इंसान का पैदा होना और फिर मर जाना महज एक इत्तफाक है, जैसे दुनिया के बाकी जानवर, पौधे और कायनात की हर चीज कर रही है। बल्कि कई गैर मुस्लिम भी हमेशा एक सवाल को हथियार के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा उनसे करते रहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने से पहले जब कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं थी, तब अल्लाह ताला क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो ये बहुत ही इंसानी सोचों को और दिमाग को हिला देने वाला एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना मिलने पर इंसान खुद से इसके जवाब बाद तलाश करने की कोशिश करेगा और एट द एंड इसका अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान मुसलसल कमजोर होने लगेगा, क्योंकि इसका दिमाग खुद से इसको जवाब बनाकर देगा जो कि इसे गुमराह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में या आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको इसका जवाब समझाना चाहूँ तो इसका जवाब यह है कि टाइम बजाते खुद अल्लाह ताला की ही तखलीक है। टाइम को बजाते खुद अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया। इसीलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा तखलीक उसकी मखलूक है और वो अपने पैदा करने वाले के हुक्म के ताबे है, क्योंकि खालिक अपनी तखलीक का गुलाम कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मजीद टाइम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नेचर को समझना होगा। हमारी दुनिया में आम तौर पर दिखने के अंदर तो यही लगता है कि वक्त हर एक के लिए, यानी कि दुनिया के हर इंसान के लिए और इस पूरी कायनात के लिए बिल्कुल एक तरह से ही गुजर रहा है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है, यानी कि ये दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम और स्पेस के अंदर एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि स्पेस में जाने पर वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर आज मैं एक जगह पर जाने के लिए सफर का इरादा करता हूँ, जहां तक पहुंचने में मुझे एक घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर इसी सफर को मैं एक साइकिल पर बैठकर तय करने की कोशिश करूं तो इसमें मुझे 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह से अगर यह सफर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी के अंदर किया जाए तो वक्त मेरे लिए मजीद आहिस्ता हो जाएगा, यानी कि मैं ये सफर बहुत जल्दी तय कर लूंगा। इसी तरह से अगर मैं ये सफर जहाज पर करूं तो मेरे लिए टाइम और कम हो जाएगा, और यही सीक्वेंस अगर मैं बरकरार रखूं तो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफर करूं तो मेरे लिए वक्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल रुक जाएगा। यानी कि वक्त या टाइम बिल्कुल रिलेटिव है और आपकी हरकत पर या आपकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा बढ़ जाए तो मेरे लिए वक्त बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को वक्त से आजाद करना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हरकत करनी पड़ेगी। इतनी तेज रफ्तारी से हरकत करना इंसानों के बस की तो बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात इस पर कादिर है, क्योंकि ये वो वाहिद जात है जिस पर वक्त अप्लाई ही नहीं होता। सूरह अल अनाम आयत 62 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर फेरे जाने हैं अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ, सुनता है इसी का हुक्म है और वो सबसे जल्द हिसाब करने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर लफ्ज सबसे जल्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबसे तेज रफ्तार का जो कि पूरी कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो अल्लाह ताला के लिए टाइम या वक्त बिल्कुल जीरो है और वो रफ्तार में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। इस जात के लिए ना तो वक्त मौजूद है और ना ही इसके लिए वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वक्त खुद ही अल्लाह ताला की तखलीक है जिस पर इसे मुकम्मल कंट्रोल है। हम सिर्फ इंसान वक्त को महसूस करते हैं क्योंकि वक्त ने हमें महदूद कर दिया है, और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इंसान कभी ना मरता, ना इसकी उम्र गुजरती। तो फिर सवाल यह है कि इंसान अपने अमाल का हिसाब भला कब और कैसे देता। इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक के, यानी अजल से लेकर अबद तक के अल्फाज सिर्फ वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अल्लाह ताला की जात का ना तो कोई आगाज है और ना ही इख्तिताम, क्योंकि आगाज और इख्तिताम तो ऐसी चीज का होता है जिसके लिए वक्त मौजूद हो। सो लॉजिकली ये सवाल ही गलत हो जाता है कि अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने से पहले क्या कर रहा था। जब हम वक्त को गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पास से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर हर एक मूवमेंट को एक तस्वीर की सूरत में एक सीरीज के अंदर जोड़ा जाए तो वो एक मूवमेंट या वीडियो क्लिप बनता है। जैसे कि हम इंसान जमीन पर तस्वीरों को जोड़कर इन्हें हर सेकंड के अंदर 30 या 60 मरतबा दिखाकर इसे एक वीडियो के अंदर बदल देते हैं।
इसी तरह जमीन का हर लम्हा और पूरी कायनात में गुजरने वाला हर लम्हा इस पूरी कायनात के आगाज से ही शुरू हुआ, यानी कि आसान अल्फाज में यूं कहें कि वक्त का आगाज इस कायनात के आगाज के वक्त से ही हुआ। इस कायनात के बनने से पहले टाइम जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, यानी कि दुनिया में भी हम इंसानों का टाइम गुजर रहा है, वो पाफ तो बन रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, और इसी तरह से हमारा फ्यूचर भी मौजूद है, यानी कि ये समझें कि एक पूरा का पूरा रोड है जिसके दरमियान में हम मौजूद हैं, हमारे पीछे पास्ट है और हमारे सामने फ्यूचर मौजूद है, यानी कि हम वक्त की तरफ से कैद में हैं कि इस रोड पर गुजरते हुए हम सिर्फ सीधा आगे की तरफ ही हरकत करेंगे, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसी जात के बारे में सोचें जिस पर वक्त बिल्कुल अप्लाई नहीं होता और वो हमें इस रोड के ऊपर से देख रहा है, उसकी पहुंच हमारे पास पर भी है और फ्यूचर पर भी, उसके सामने हमारा सब कुछ मौजूद है, क्योंकि उस जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है और ना ही एग्जिस्ट करता है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे माजी, हमारे मुस्तकबिल और हमारे हाल तीनों से वाकिफ हैं। अब यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर अल्लाह ताला की जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पर वक्त का जिक्र सालों या दिनों के अंदर क्यों किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इस कायनात के पैदा करने के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिन के अंदर पैदा किया। इसका जवाब यह है कि यह सिर्फ हम इंसानों को हमारी अकल के मुताबिक समझाने के लिए है, क्योंकि हमारे लिए जमीन पर वक्त गुजर रहा है, इसलिए मिसाल के तौर पर सूरह फुजिलत के अंदर अल्लाह ताला ने जमीन के पैदा करने के बारे में 2 दिन का वक्त बयान किया है, मगर सूरह अल आराफ़ के अंदर इस पूरी कायनात को पैदा करने का वक्त 6 दिन का बयान किया है। अगर इन दोनों कुरानी आयात को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि जमीन पूरी कायनात से 3 गुना ज्यादा जवान है, या फिर यूं कहें कि जमीन हमारी इस पूरी कायनात के पैदा होने के बाद 3 गुना ज्यादा वक्त गुजरने के बाद पैदा हुई। अब इस आयत मुबारका के अंदर स्पेसिफिकली जमीन की उम्र के बारे में बयान करना बिला वजह नहीं है, बल्कि एक मसलियत की वजह से है, क्योंकि हालिया साइंसी तहकीकात हमें यह बताती हैं कि हमारी पूरी कायनात 13.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, लेकिन हमारी जमीन को बने हुए तकरीबन 4.5 बिलियन साल ही हुए हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम और जमीन पत्थरों और दूसरे शाबे साकिब के टकराव के बाद बनने लगे, आपको बताता चलूं कि साइंटिस्ट इससे पहले यह मानते थे कि हमारी जमीन तकरीबन 30 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन जमीन की अंदरूनी तय जिसे हम मेंटल कहते हैं, इससे मिलने वाले नमूनों के जब टेस्ट किए गए तो हमें पता चला कि हम इंसान किस कदर गलत थे, क्योंकि हमारी अर्थ की एक्चुअल उम्र तकरीबन 4.5 बिलियन साल बनती है। लेकिन आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद के अंदर इस पूरी कायनात की और जमीन की एक्चुअल उम्र को बयान कर दिया गया कि हमारी ये जमीन इस पूरी कायनात की उम्र से 3 टाइम्स यंगर है, यानी कि इस पूरी कायनात का 3 गुना वक्त गुजरने के बाद बनी। बेशक अल्लाह ताला की जात सब जानती है, और इस वक्त जब कोई भी जिन और इंसान मौजूद नहीं थे, इस कायनात के सारे प्रोसेस के बारे में सिर्फ वही जात बयान कर सकती है जो कि इसे बनाने वाली हो या फिर इस वक्त पर मौजूद हो, और वही तो है अल्लाह ताला की जात। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो पर हमने देखा जिस तरीके से भाई ने पूरा वाकया बयान किया, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं ये, और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ये कि ये कुरान का हवाला देके बात करते हैं और कितने सारे मौजजे अल्लाह ताला ने हमें दिए है ना। जैसे अल्लाह पाक इन्होंने बताया कि अल्लाह पाक हमें हर टाइम देख रहे, अल्लाह ताला ने कितनी दफा फरमाया भाई तुम इंसान कहीं नहीं छुप सकता, अल्लाह पाक उसको हर तरफ से देख रहे, हर तरफ से इंसान घिरा हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि मैं हूँ अपने आप में ही सोचता रहता है, लेकिन इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया कि एक रोड है, रास्ते में इंसान चल रहा है ना, अब वो आगे ही बढ़ता रहेगा, पीछे देखेगा तो जा नहीं सकता पीछे, हाँ, वो आगे ही बढ़ेगा, अपनी मंजिल को आगे ही तय करेगा, लेकिन उस रोड पे उस चलने वाले इंसान को तो अल्लाह देख रहे। अच्छा, कुरान का एक बहुत बड़ा मौजजा ये है कि कुरान पिछली बातों को भी बयान करता है और आगे आने वाली बातों को भी प्रेजेंट के बारे में बयान है, तो ये अल्लाह ताला का एक मौजजा है, क्योंकि अल्लाह ताला का जब हर चीज पर काबू है तो अल्लाह ताला ने तो कुरान नाजिल किया, अल्लाह ताला ने चीजें बता दी, अभी इंसान के ऊपर है कि कुरान पढ़ के वो कितनी बातों के कितनी अल्लाह ताला उसको इल्म देते हैं, वो कितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत करके उसको पढ़ने की कोशिश करता है। सो गाइस, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल था कि जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह गॉड क्या कर रहे थे उस टाइम पे, सो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब उनके लिए टाइम और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है कि लाइक टाइम सुबह होना शाम होना रात होना, ह्यूमंस के लिए ही उन्होंने बनाई है और उनके लिए टाइम एंड ऑल ये कुछ भी नहीं है, हाँ, है ना। एंड जैसे उन्होंने वीडियो में बोला भी था, काफी सारे जो एथीस्ट होते हैं वो उस चीज को यूज करते हैं कि
इससे पहले गॉड क्या कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि गॉड पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, ना ही उनपे कोई टाइम की बाउंडेशन है. तो ये चीज मतलब काफी मतलब समझ जाए कि वो क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि हाँ कि हम लोग नहीं थे तो उससे पहले क्या ही कर रहे थे. तो बट ये जो हंसी टीवी है ये चैनल है, चलो ये क्लियर करा. और सही में ये अलग ही क्वेश्चन था काफी, और इसका हमें कल से मिला. क्वेश्चन भी मतलब ज्यादातर लोगों के माइंड में आता होगा जो मतलब डाउटफुल भी होंगे गॉड को लेकर, तो उनके दिमाग में भी ये उनको ये वीडियो तो देखनी चाहिए उनको था. और एक एक टॉपिक को इन्होंने बहुत मतलब इंसानों के दिमाग में जो सवाल होते हैं उसको हल कर दिया है, कर दिया है. और हर शब्द इतनी अच्छी तरीके से दिया है कि और हर इंसान के दिमाग में ये मतलब आता है, सच में यार. साइंटिफिकली मतलब सोचते हैं कि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं हुआ, और ऐसा है तो हुआ कब क्या, मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसा है साइंटिस्ट मतलब. और कुछ कुछ लोग ऐसे है कि मानने को ही तैयार नहीं होते है. तो अगर ऐसा वीडियो देखेंगे वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगली बार पूछेंगे कि ऐसा क्यों है. और हमने इतने सारे वीडियो किए हैं ना कि हर वीडियो में हमें यही लगा है कि ये सब किसी ना किसी ने बनाया है, ऐसे खुद नहीं बना है. क्योंकि इतना सब होकर भी हम अल्लाह को इनकार करते हैं तो ये बुरी बात है. तो किसी तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है कि इतना सब देखने के बाद भी हम अगर इसको ना कहे तो. हाँ, तो कल भी हमने वीडियो किया था कि समंदर के अंदर भी कुछ जो जीव होते जीव, हैं, तो उन्हें भी खाने पीने का बंदोबस्त अल्लाह ने कर रखा है. तो इतनी बड़ी बात है, तो ये तो हम इंसानों ने नहीं की है, ये तो किसी ने तो किया होगा. और इंसान हमारा रिएक्शन और हंसी टीवी चैनल बहुत बेहतरीन वीडियो था ये. व्हाट वाज अल्लाह डूइंग बिफोर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एंड बहुत सही चीज उन्होंने बताई, एंड बहुत नॉलेजेबल वीडियो था ये. एंड जैसे हमें पता चला कि धरती ये कायनात से कितने साल बड़ी, कितने गुना बड़ी है वो भी बताया. एंड कितने साल पहले ये वजूद में आई, 3.4 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई. एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह के लिए वक्त मैटर नहीं करता है, एंड अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, बिकॉज अल्लाह खालिक है वक्त के. वक्त सिर्फ इंसानों के लिए है, जवां होते हैं, बुढ़े होते हैं, एंड वक्त गुजरता है, गुजरता है, मज़ीद गुजरता है. एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, एंड बहुत ऑसम इन्फॉर्मेशन था ये. एंड सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट हज़ी टीवी चैनल इज वो जब भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कुरान का हवाला ज़रूर देते हैं, एंड दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज वर्क. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑफ हज़ी टीवी, एंड वी विल गोना गेट बैक टू यू गाइज विद अनदर वीडियो. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो. Shabba khair, bye bye, take care, see you.